राइट गाइड सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट दिस वीडियो सो टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना कॉमर्स ग्रुप एसडब्लू एन टी वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे सो so, आज हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ये क्या होता है ये बहुत ही ईजी कॉन्ट्रैक्ट है सबसे ईजी कॉन्ट्रैक्ट टाइप है इससे पहले भी हमने इजी पढ़े हैं वेजरिंग वाला भी बहुत ईजी था ठीक है ये वाला काफी ईजी क्योंकि ये आपने अपनी लाइफ में मोस्टली देखा ही देखा है और आप भी इस तरीके की चीजें चाहते हो कि भाई हो ठीक है क्योंकि आपका भी फायदा होगा इसमें तो देखो क्या है यहाँ पे मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट। क्या है? इट इट इज इज बाय लॉ एंड डज नॉट अराइज बाय एग्रीमेंट भाई यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं होती है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये आपके ऊपर लॉ थोपता है ये छुपा हुआ कॉन्ट्रैक्ट है ठीक है अब आप सोचोगे कि मतलब समझ में नहीं आया लॉ कैसे थोपता है या लॉ कैसे इम्पोज करता है और हम क्यों नहीं एंटर करते हैं अभी आप एक बहुत सारी एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी यहाँ पे जैसे आप उसको रिलेट कर पाओगे बेसिकली कि ऐसा क्यों होता है ठीक है तो ये आपने पहला देखा दूसरा है द ड्यूटी ऑफ पार्टी एंड नॉट द प्रोमिसी ऑफ एनी पार्टी इज बेसिस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि ये क्या है कोई पार्टी किसी से प्रॉमिस नहीं करती कि हम आपके साथ ऐसा करेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से एंटर करते ये ड्यूटी ही है पार्टी की कि वो ऐसा करे अब देखो मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ थोड़ा सा, थोड़ा सा कि, कि आप कभी रास्ते में जाते हो आपको किसी का फोन पड़ा हुआ मिलता है ठीक है और आपने उस फोन को क्या कर लिया अपने हाथ में ले लिया तो आपने उस आ, सामने वाले से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा था कि अगर आपका फोन मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिलेगा तो मैं आपको वापस करूंगा नहीं यहाँ पे लॉ आपको ये बात कहता है लॉ आपके ऊपर इम्पोज करता है कि अगर किसी की गिरी हुई चीज तुमने पाई है जो कि आपकी नहीं है वो सामने वाली पार्टी की है तो ये आपकी जिम्मेदारी कि आप उसको ढूंढो कि वो इंसान कौन है और उसको ढूंढ के उसका सामान जो है वो वापस करो क्यों ताकि हमारी कंट्री में ये फेयरनेस बनी रहे जस्टिस रहे लोग चोरी डकैती इन सब चीजों में ना लग जाए ठीक है तो इसीलिए हमने ये कहा कि आप ये नहीं करते हो एग्रीमेंट ये लॉ आप पे डालता है फेयरनेस लाने के लिए कंट्री में एक ट्रस्ट रहे एक जस्टिस बना रहे लोग किसी के साथ अन्याय ना करें इसलिए है। तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिवें इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट ऑफ वन पर्सन एट द कॉस्ट ऑफ अनदर मतलब ये किस पे बेस्ड है कि हमें प्रिवेंट करना है कि भाई किसी और के कॉस्ट पे आप अनजस्ट uh, मतलब कि ऐसा इनरिचमेंट ऐसा बेनिफिट ना उठा लें जो आपके लिए है ही नहीं वो एक अनजस्टिस uh, आपका वो बेनिफिट है ठीक है वो जस्ट just, जस्टिस नहीं है वो आप डिजर्व नहीं करते हैं आपने फायदा उठा के उस दूसरे वाले की कॉस्ट में अपना फायदा कर लिया है वो आपको नहीं करना उसको प्रिवेंट करने के लिए ये प्रिंसिपल ये जो कॉशी कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉ इम्पोज करता है इट इज इम्पोज बाय लॉ एंड डज नॉट अराइज बाय एग्रीमेंट सेम थिंगस नो एसेंशियल वैलड कॉन्ट्रेक्ट इज रिक्वायर्ड सॉरी इज रिक्वायर्ड मतलब वैलड कॉन्ट्रेक्ट के जो एसेंशियल एलिमेंट होते हैं कि भाई एग्रीमेंट uh, होनी चाहिए ठीक है म्यूचुअल कंसिड्रेशन होना चाहिए ऑफर होना चाहिए एक्सेप्टेंस होना चाहिए वो सब इसमें नहीं होने की जरूरत है ये तो लॉ ने आपके ऊपर डाला हुआ है या आपकी ड्यूटी है या आपको करना है ठीक है ये इस तरीके का छुपा हुआ कॉन्ट्रैक्ट है द राइट इज अवेलेबल अगेंस्ट स्पेसिफिक पर्सन नॉट द होल वर्ल्ड जो ये राइट right है ठीक है वो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक पर्सन जो उस सिचुएशन में है मान लो जिसको मिला है वो सामान भी उसके ऊपर ही हमने अभी क्या किया वो सिचुएशन में लागू किया ये पूरे वर्ल्ड को पे लागू नहीं है ठीक है मतलब जो पर्सन जिस सिचुएशन में उस हिसाब से फंसा हुआ है ये कॉन्ट्रैक्ट उसी पर्सन पे वो चीजें लागू करता है द राइट अराइजिंग फ्रॉम कॉसी क्वेशी कॉन्ट्रैक्ट इज टिपिकली इन्फोर्सेबल अगेंस्ट स्पेसिफिक पर्सन जो उस सिचुएशन में इन्वॉल्व है उस पर्सन पे इस तरीके के जो कॉन्ट्रैक्ट के जो भी राइट्स हैं वो क्या होंगे इन्फोर्स करे जाएंगे ठीक है तो जो पार्टी उस सिचुएशन में है कि जहां पे उसके साथ गलत हो रहा है वो उस इश्यू में आया है उस पर्सन के को उस क्वेशी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी राइट्स हैं ताकि हम उसको जस्टिस प्रोवाइड कर सकें जो वो पर्सन उस सिचुएशन में फंसा हुआ है उसको हम वो राइट्स देते हैं पूरे वर्ल्ड में हम राइट नहीं बांटेंगे ऐसे ही ठीक है तो नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ कॉशी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं तो देखो यहां पे पांच टाइप हम पढ़ेंगे पहला है क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाइड ठीक है वेयर नेसेसरीज आर सप्लाई टू अ पर्सन हु इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट द सप्लाई एंड टाइटल टू रिकवर द प्राइज फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द इकॉम्पिटेंट पर्सन आप देखो बहुत ईजी है जैसे मान लो कोई माइनर है इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ऐसे पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते माइनर हो सकता है अनसाउंड माइंड का पर्सन हो सकता है जो आपने सब पढ़े थे तो कोई ऐसा पर्सन अपने एक्जाम्पल ले लिया की माइनर है मान लो ठीक है अठारह से कम उम्र का बच्चा है ठीक है आपने उसको क्या करी जो उसकी जरूरत की सामान है ठीक है वो आपने उसको क्या करी है सप्लाई कर दी है ठीक है आपने उसको प्रोवाइड कर दिया ठीक है तो जो भी आपने सप्लाई उसको दी है मान लो कोई आप उसकी कस्टडी लिए हो गार्जियन हो और आप उसको सामान दे रहे हो जो उसकी लाइफ के लिए उसके लिए जरूरी है आपने उसको वो नेसेसिटीज दी है ठीक है तो जो भी आपने नेसेसिटी उसको दी है तो उसको आप रिकवर मतलब जो भी पैसा आप सामान आपने उसको जरूरत की समान दिए वो आप इंटाइटल कि आप उसको रिकवर कर सकते हो उस इनकॉम्पिटेंट पर्सन की प्रॉपर्टी से जो भी आपने उस उसको पैसे दिए हैं जो भी आपने उसको नेसेसिटीज सप्लाई किए उसका जो भी अमाउंट है वो आप रिकवर कर सकते हो उसकी प्रॉपर्टी से ठीक है जैसे गोपाल है उसने माधव जो माइनर है उसको नेसेसिटी नेसेसरीज दी हैं जैसे कुछ जरूरत की चीजें हो सकती कपड़े हो सकते हैं मेडिसिन हो सकती है ये सब सामान उसको सप्लाई करी है दी है ताकि भाई वो अच्छे से अपने जीवन जी पाए ठीक education दी है एजुकेशन दिए ये सब चीजें आपने दी हैं तो आपका ये सरकार कहती है आपको ये राइट right है कि आप माधव की जो भी प्रॉपर्टी है उससे अपना पैसा क्या करो वसूल लो ठीक है तो ऐसा नहीं है कि आपको वो पैसे नहीं मिलेंगे वो एक जस्टिस के तहत आपको दिए जाएंगे फेयरली नेक्स्ट इज पेमेंट बाय अ पर्सन हैविंग सम इंटरेस्ट इन पेमेंट द पर्सन मेकिंग द पेमेंट मस्ट हैव सम इंटरेस्ट इन पेइंग द अमाउंट द पर्सन मेकिंग द ए पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन पेमेंट ऑफ मनी और विच इज अनदर इज बाउंड बाय लॉ एंड देयर ऑफ पेड इज एंटाइटल टू बी रिम्बर्सड री बाय द मतलब मान लो मैं और आप हैं ठीक है और मुझे पेमेंट करना था मैं लीगली बाउंड थी उस पेमेंट के लिए लेकिन आपने मेरा जो पेमेंट है वो कर दिया इसलिए पेमेंट किया आपने क्योंकि आपको लगा कि आप मुझसे पेमेंट जो है वो ले लोगे आपका भी उसमें कुछ फायदा था जिस परपज से आपने पेमेंट हम दर्दी किया हमदर्दी के लिए पेमेंट नहीं किया है अपने। पेमेंट मुझे करनी थी मैं लीगली बाउंड थी लेकिन पेमेंट आपने कर दिया तो मेरी ये ड्यूटी है कि मैं आपके पैसे जो आपने पेमेंट किए हैं वो आपको रिटर्न करूं ठीक है मैं रिमबर्स रिंब, करूं द पेमेंट मस्ट नॉट बी बाउंड बाय लॉ टू पे द अमाउंट मतलब जो भाई जो पेमेंट हुई है वो आपको नहीं लीगली बाउंड हो ऐसा ना हो कि भाई आपको ही बाउंड थी आप नहीं कर दी तो फिर मैं आपको क्यों दूंगी लेकिन मुझे बाउंड थी आपने कर दी तो उस केस में मैं आपको पेमेंट जो है वो दूंगी अदर पर्सन फ्रॉम होम मनी सॉ टू बी रिकवर मस्ट बी लीगली बाउंड टू पे अमाउंट वही कंडीशन होती है भाई की पेमेंट जिसको देनी थी उसको ही देनी थी आपको नहीं देनी थी कि आपने कर दी तो फिर तो आपने कर आपको करनी चाहिए थी लेकिन पेमेंट मुझे करनी थी बट आपने कर दी आप लीगली बाउंड नहीं थे बाउंड मैं थी तो मुझे आपके पैसे जो है वो आपको वापस करने होंगे ये मेरी ड्यूटी है ये लॉ कहता है नेक्स्ट इज पेमेंट सॉरी नेक्स्ट इज क्लेम फॉर एनी बेनिफिट रिकवर्ड अंडर अ नॉन ग्रेटिव एक्ट

किसी सामने वाली कोई ड्यूटी बनती वो आपको कुछ बेनिफिट या रि करे तो जो भी चीज आपने सामने वाली पार्टी के लिए की हो वो लॉफुल हो वो लीगल चीज हो लीगल चीज आपने डिलीवर की हो या लॉफुल चीजें अगर आपने सामने वाली पार्टी के लिए की है वो आपने आउट ऑफ ग्रेट नहीं किया है मतलब कि आप ग्रेटली नहीं कर रहे हैं ठीक है ठीके? आपने वो किसी हमदर्दी या इस तरीके से नहीं किया आपने इस तरीके से किया है क्योंकि आपको पता था कि आपको उस चीज का पेमेंट जो है वो मिलेगा तो सच पर्सन को एंजॉय द बेनिफिट तो जो पर्सन आपके द्वारा किए गए काम को या आपके द्वारा दी गई चीज को एंजॉय करता है उसको आपको क्या करना पड़ेगा रिइंबर्स करना पड़ेगा मतलब कि आपको वो चीजें या तो रिस्टोर जो भी आपको चीज़ें डिलीवर की है वो आपको देनी पड़ेंगी या तो फिर आपको जो पेमेंट है जिस चीज़ को आपने उसको दिया है या किया है उसका आपको पेमेंट वगैरह करना होगा ये उस पर्सन की क्या होगी ड्यूटी होगी क्योंकि यहाँ पे आप कोई चीज हमदर्दी या एम्पथी में नहीं कर रहे हो यहाँ पे आप बेसिकली कोई प्रोफेशनल हो और आपने कोई अपनी सर्विस दी है तो ये उसका राइट बनता है कि वो आपको पेमेंट वगैरह करे ठीक है तो ये भी याद रखना कि क्या मतलब है इसका ठीक है कंफ्यूज मत होना ग्रेट्यूटियस का मतलब आपका यही होता है कि आपने कोई चीज करी है फ्रीली विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न तो यहाँ पे आपने, आपने कोई भी चीज जो है वो uh, किसी चीज को रिटर्न एक्सपेक्ट ना करते हुए नहीं की, आपने रिटर्न एक्सपेक्ट करते हुए चीज की है तो फिर आपको जो भी बेनिफिट है जो आपने सामने वाली पार्टी को दिया उसका आपको रियम्बर्स किया जाएगा ठीक है कंडीशंस होती है कुछ द पर्सन मस्ट लॉफुली डू समथिंग फॉर अनदर पर्सन भाई लॉफुली करना है आपको सामने वाली पार्टी के लिए इलीगल चीजें नहीं करनी है उसका फिर वो आपको उसको जैसे आपने ड्रग्स दिए हैं वो इंजॉय करा तो आपको वो सामने वाला पार्टी उसका पैसा देगा ये सब चीज़ें लॉ नहीं कहती इन सब चीज़ों के लिए वो लीगल चीज़ों के लिए बातें कहती है पर्सन डूइंग सम एक्ट और डिलीवरिंग समथिंग मस्ट नॉट इंटेंड टू डू एक्ट ग्रेटिट्यूटली मतलब जो पर्सन ने सामने वाले के लिए एक्ट किया है वो उसने कुछ रिटर्न की उम्मीद ना करते हुए ना किया हो मतलब कि रिटर्न की उम्मीद रखते हुए उसने काम किया या सामान आपको दिए जैसे मान लो कि मैंने आपको ये लिए कुछ भी काम किया है मैं कोई मान लो कोई एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन है उसे आप उसने आके आपके घर की लाइट वाइट सही करी है तो उसने आपके लिए कोई ऐसी चीज़ इसलिए नहीं करी कि आप उसको कुछ मत दो रिटर्न में ठीक है उसने ये एक्सपेक्ट करके नहीं दिया उसने ये एक्सपेक्ट करके दिया कि आप उसकी फीस जो है वो उसको दोगे उसकी सर्विस के चार्जेस जो है वो दोगे तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके वो सर्विस के चार्जेस उसको दो ठीक है दादा दा पर्सन मस्ट वॉलेंट्री एक्सेप्ट दैट और भाई दूसरा पार्टी भाई वॉलेंट्री एक्सेप्ट भी करे ऐसा नहीं कि आप आके सर्विस दे दिए हो और सामने वाला एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है सामने वाला चाहता नहीं था कि आप करो जबरदस्ती कर रहा हो तो वो आपको

तो उसको क्या करना है उसको सामने वाले जो रियल ओनर है उस गुट का उसको ढूंढने की पूरी कोशिश करनी है और उसकी डिमांड पे तो उसको गुड जो है वो रिटर्न बैक करना है तो ये भी आपकी एक रिस्पांसिबिलिटी या ड्यूटी होती है जो कॉशी कॉन्ट्रैक्ट के तहत आप पे इम्पोज की जाती है आप, आप उसको लेके अपना फायदा मत करो मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर क्वेश्चन सेक्शन सेवेंटी टू ए पर्सन टू होम मनी हैज बीन पेड ऑन एनी थिंग डिलीवर बाय मिस्टेक और अंडर क्वेश्चन मस्ट रीपे और रिटर्न इट मतलब कि कोई भी पर्सन अगर उसको कोई मनी जो है वो मिली है ठीक है पेमेंट जैसे उसको मनी रिसीव हो गया है बाय मिस्टेक तो उसकी ये जिम्मेदारी कि वो उसको पे बैक या रिटर्न करे आपने भी देखा हो कभी कभी आपको पैसे कोई गलती से दे देता है गलती से ट्रांसफर कर देता है आपके अकाउंट में आ गए तो आपकी ये जिम्मेदारी होती है लॉ के तहत कि आप उसको पेमेंट जो है वो पे बैक करो आप उसको रखो मत ये इीगल काम या अनजस्टिस मत करो अनफेयर चीजें मत करो इसलिए सब कौशिक कॉन्ट्रैक्ट आते हैं राम और श्याम ज्वाइंटली ओ वन थाउजेंड से मलिंगा है उसको राम और श्याम जो है उन्हें दोनों को एक हजार रुपए मलिंगा को देना है राम ने क्या किया मलिंगा को श्याम को बिना बताए पूरा पेमेंट ही उसने कर दिया ठीक है उसे दो मतलब दो हज़ार दे दिए और बाद में जो श्याम था उसको तो पता नहीं था कि राम ने मेरा भी पेमेंट कर दिया और श्याम ने भी उसको मलिंगा को एक हजार दिया तो मलिंगा को तीन हजार रुपये मिल गया तो अब मलिंगा जो है उन ये बाउंड है कि जो पैसा है वो पे बैक करें वो वापस करें सामने वाली पार्टी को जिस जो उन्होंने ज्यादा लिए हैं ठीक है थीके? तो ये आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटीज लाई जाती है इन कॉन्ट्रेक्ट को इम्पोज करके ताकि आप अपनी कंट्री में फेयरनेस बनाए रहो कोई अनचस्टिस वर्क मत करो ये सब चीजें आपको करनी होंगी ये चीज़ आपको एग्रीमेंट के तहत किसी वाली पार्टी के साथ नहीं आती होंगी ये एक आपको मॉरलिटी uh, आपके अंदर डेवलप करती है कि आपको ये सब मॉरल वर्क करने हैं अपनी कंट्री में राइट सो ये होते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट आप समझ पाएंगे स्टिल तो कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पूरी प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे थैंक यू